हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं बिहटा वाला ब्लॉगर। तो आज हम आपको ले कर आए हैं बिहटा राम जानकी मंदिर, इसको ठाकुरबाड़ी भी बोलते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर का व्यू है यहाँ। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, और अंदर चल के श्री राम जानकी और लक्ष्मण बजरंगबली सब जी का दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मंदिर कितना बड़ा है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। ये देखते हैं ऊपर लिखा हुआ श्री राम जानकी मंदिर। ये हम लोग आ चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर में, आप देख सकते हैं यही है मंदिर। ये देख सकते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का मूर्ति रखा हुआ है। अंदर में कुछ इस तरह का भी है, आप देख सकते हैं झूमर लगाया हुआ है, चारों तरफ से पूरा सजाया हुआ है इसको। इसके अंदर दोस्तों सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। इस मंदिर में दोस्तों शादी विवाह सब कुछ होता है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर शादी करने के लिए रूम वगैरह सब कुछ मिले, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा शादी का पंजीकरण के लिए वर वधु का उम्र, आधार कार्ड सब कुछ लेके आना है। आप इस मंदिर में आप शादी भी करवा सकते हैं, अगर कोई आपके रिलेशन के हैं तो आप उसको बताएं, आप यहाँ पे आकर शादी कर सकते हैं। ये देखिए इधर साइड में रूम मिलता है जो कि अभी कोई नहीं है, ताला बंद है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर सबको दिखाते हैं मंदिर कैसा दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी फैला हुआ मंदिर है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि शादी के दिन में मेला वगैरह भी लगता होता है। अभी ये अंदर में खाली है, यहाँ पर भी कोई मूर्ति रखाएगा, आप देख सकते हैं। इधर पोखर है, इस पोखर के अंदर दोस्तों छठ पूजा होता है। ये आप देख सकते हैं सामने गुलटेरा बाजार है, और ये सामने बिल्कुल महादेव स्थान है जो कि अपना बाबा बिटेश्वर नाथ का मंदिर है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के आपको पोखर में लेकर चलते हैं, आप पोखर में भी जा सकते हैं। तो चलिए पोखर के अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं हम बाहर गली के साइड में आ गए हैं। अब चलते हैं पोखर में, आप पोखर में चल के देखते हैं कितना अच्छा नज़ारा व्यू देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं पोखर के अंदर में। यहाँ पे दोस्तों बिहटा में जो छठ पूजा होता है सभी लोग यहीं पर आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, पूरा धक्का मुक्की हो जाता है छठ पूजा वाला दिन। उसके सामने अपना शंकर जी का मंदिर है बाबा बटेश्वरनाथ का, और आप देख सकते हैं पोखर से मंदिर कुछ इस प्रकार का दिखता है। देख सकते हैं मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है, और ये पूरा मंदिर जो है दोस्तों ये पूरा पीले कलर का है, एक ही कलर का है पीले रंग का। देखते पोखर में हाथ डालते हैं, और यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता, पोखर में हाथ भी डाल सकते हैं। चलिए अब पोखर से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। इधर से आप दोस्तों बाहर निकल सकते हैं, ये हम बाहर निकल चुके हैं इसके मंदिर से, ये हम बाहर निकलेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये स्पेस जो गाड़ी दिख रहा है, यहाँ पे शादी वाले दिन पूरा लगन का जो गाड़ी होता है, ट्रैक्टर हो गया, स्कॉर्पियो बोलेरो सारा लगा होता है। ये देख सकते हैं मंदिर का वो दिखाते हैं हम आपको, मंदिर पीछे से कैसे देखने में लगता है। आप देख सकते हैं पीछे से कुछ इस तरह का मंदिर देखने को मिलता है, काफ़ी अट्रैक्टिव मंदिर दोस्तों, बहुत अच्छा मंदिर है।